नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डार्क एक्स टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेस्ट होम अर्निंग एप्स के बारे में बताएंगे, जिसके मदद से आप अच्छा खासा अर्निंग घर बैठे आप 15 से 20 हज़ार या उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है गलो रोड एप्लीकेशन, जो कि एक बेस्ट होम अर्निंग एप्स है। ये ऐप्स करोड़ों लोगों इससे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर आप यहां ऐड कीजिए। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आप यहां पे आपको क्लिक करना है। तो वेरीफाई होगा आपका मोबाइल नंबर गलो रोड एप्लीकेशन के साथ, तो कुछ हम वेट करेंगे नंबर पे। तो दोस्तों, आपके मैसेज में एक कोड आएगा, तो देखते हैं कितना कोड है। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि जो कि मैसेज में आ चुका है कोड, ये कोड आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं कि OTP कोड हमारा कॉपी हो चुका है। उसके बाद हम इस पर पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करेंगे तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई कोड भी हो चुका है। तो दोस्तों आप फिर एलो पे क्लिक कीजिए, फिर एलो और फिर कंटिन्यू। तो देखिए दोस्तों, ये गलो रोड एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस पर हम पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। तो देखिए, ये प्रोडक्ट आप जो देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपको टी शर्ट शर्ट बहुत सारा मोबाइल्स हर चीज़ आपको मिल जाएगा इस पर, ठीक है। आपको सर्च करना है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हो, इसी तरह इस पर भी सर्च करना है। और जो आप प्रोडक्ट चाहिए, जो आपका कस्टमर ऑर्डर किए, वो आप सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम सामान बेचकर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम सामान बेचने से पहले हम क्या करें, तो सबसे पहले हमको पहला काम है जो कि बैंक डिटेल्स, अपना बैंक अकाउंट मतलब इस एप्लीकेशन में ऐड करना, ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नीचे में हेल्प के बगल में माई शॉप है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो माई शॉप पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि माई बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों, आप यहाँ बैंक डिटेल्स ऐड कीजिए, जो कि आपका किसी भी बैंक है। तो आपका यहाँ सबसे पहले बैंक नेम आपको ऐड करना है, तो जैसे कि आपका SBI हो या पंजाब नेशनल हो, आप यहाँ जो भी आपका बैंक नेम है वो आप यहाँ ऐड कीजिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर, तो इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर फिर से ऐड करना है जो आपका बैंक अकाउंट नंबर हो। उसके बाद कॉन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, तो फिर यहीं पे भी दोबारा आपको बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है। उसके बाद नेम ऑन बैंक अकाउंट, जो कि आपका बैंक अकाउंट में जो नेम है वो आप यहाँ ऐड कीजिए, ठीक है। और फिर बैंक IFC कोड, तो आपको बैंक IFC कोड यहाँ पे ऐड करना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इतने प्रोसेस करने के बाद आप चले आते हैं तो फिर आपको इससे पैसा कैसे कमाएं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप चॉइस कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट हम चॉइस कर लेते हैं और इसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे साइज सेलेक्ट, प्लीज़ साइज सेलेक्ट, तो आप जो साइज का प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर करना चाहते हैं वो साइज पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं जो कि आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे ऐड टू कार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, यही प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, जो कि आप एरिया पिन कोड नंबर यहां डालिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद कस्टमर का नाम,
उसके बाद मतलब हाउसिंग नेम, बिल्डिंग, फ्लैट नेम, उसके बाद कॉलोनी, उसके बाद आप यहाँ जो फेमस जगह है उसका नाम यहाँ पे ऐड कीजिए, उसके बाद टाउन एंड सिटी, उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पहले से ही मैं एड्रेस तो देखिए दोस्तों, मैं अपना एड्रेस है जो ऐड कर लिया हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कीजिए आप। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, अब आपका अर्निंग स्टार्ट होता है। जैसे कि ये प्रोडक्ट कितने का है, फिर से मैं आपको बता दूँ, ये प्रोडक्ट कितने का है, मतलब 332 रुपये का, ठीक है। तो 332 रुपये का ये प्रोडक्ट है, तो हम इसको 400 या 450, मान लीजिए 450 हम इस पर एंटर कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि योर मार्जिन 133 रुपया है, और इसके बाद कंटिन्यू पे फिर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि ये मेरा ऑर्डर मतलब सक्सेसफुल हो गया है, जो कि आपका मैसेज आएगा। तो फिर मैं शॉप पे जाना है आपको, और माय ऑर्डर्स पे क्लिक करना है जो अभी मैं ऑर्डर किया हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं योर, तो आपका अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो आप यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्जिन योर अर्निंग, जो कि आपका ये ऑर्डर मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा कस्टमर के पास, चाहे आप खरीदते हो या आपका कस्टमर। अगर ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में, अगर आप ये ऑर्डर रिटर्न या कैंसिल नहीं करते हो, तो आपको बैंक अकाउंट में 133 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैंसिल दिस ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यस पे क्लिक कीजिए, तो ये ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना आप मतलब कितना कमाए हैं, आपका कितना मार्जिन है, ये आप चेक कैसे करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं माय अर्निंग, इस पर आप क्लिक करके अपना मार्जिन चेक कर सकते हैं कि मेरा पेमेंट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं जो कि लाइव पेमेंट है, और फिर मैं आपको बता दूँ जो कि, मगर एक बात और बता दूँ कि आप सोचेंगे से कितने रुपये में ट्रांसफ़र होता है, तो आपको 3 रुपया हो या 100 रुपया हो या 50 रुपया हो, ठीक है। तो आपको जितना मार्जिन ऐड करेंगे उतना ही आपके बैंक अकाउंट में रुपया पेड कर दिया जाएगा। इसमें लिमिट कोई नहीं है, सिर्फ 500 रुपया पे ही आपका बैंक अकाउंट में पेड होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि मेरा पेमेंट मिल चुका है बैंक अकाउंट में। तो पेमेंट डिटेल्स मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं जो कि मेरा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। देखिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आप मतलब पेमेंट कब होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके, और यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आज के मतलब ऑर्डर किया, तो आप यहाँ डेट लिखा जाएगा से इतने तारीख को मतलब आपके बैंक अकाउंट में पेड हो जाएगा। आपके पास मैसेज भी आएगा, ईमेल भी आएगा से आपका अर्निंग है इतना, इतना तारीख को आपको इतना तारीख को आपको बैंक अकाउंट में आपका अर्निंग मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गलोडो कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, आप गलोडो संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल पे सारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देखकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।